साल 1971 इतिहास की तारीखों में दर्ज एक ऐसा साल जब भारत के पूर्वी छोर पर एक नया देश अस्तित्व में आया। अमेरिकी हथियारों के दम पर बेखौफ हुए पाकिस्तान को भारत ने उसकी हदें दिखाई और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश का गठन हुआ। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने उस वक्त भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया था। इतिहास की तारीख में यह साल विश्व के सबसे बड़े मिलिट्री सरेंडर के रूप में दर्ज है। साल 1971 को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने, दो हिस्सों में बंटने और एक नए देश के गठन के लिए याद किया जाता है। लेकिन इसी दिन भारत के दूसरे छोर पर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जो दशकों तक गुमनाम रही और 2010 के बाद ही भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना से पूरी तरह से पर्दा उठाया। यह घटना थी पाकिस्तान में की गई एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके बाद वहां के 3 गांव हमेशा के लिए भारत के हिस्सा हो गए। नमस्कार, मैं मनमीत और आप देख रहे हैं बारामासा का वो कार्यक्रम जिसमें हम उत्तराखंड से इतर भी आपको देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताते हैं कि आखिर हुआ यूं था। भारत के सबसे उत्तरी छोर पर काराकोरम श्रृंखलाओं के दामन में बसा एक खूबसूरत गांव है तुरतुक। लेह से लगभग 200 किलोमीटर दूर 350 की आबादी वाले तुरतुक गांव की सुबह कुछ वैसी ही होती है जैसे उच्च हिमालय गांव की अलसाई सुबह सरमाते बल खाते हुए आती है और हमारी अलसाई देह को उठने पर मजबूर कर देती है। स्कूल जाते बच्चों की शरारतें, खेत के मुंडेर से गुजरते मदमस्त गायों की झुंड, उनके गले में बंधी घंटियों से उठती मीठी धुनें, खेतों में पानी छोड़ते मर्द और ओंस के भीगे पेड़ों से खुबानी आड़ू झाड़ती औरतें। तुरतुक गांव के पास से होकर ही स्योक नदी बहती है जिसके पश्चिमी छोर पर एक पहाड़ सीना ताने खड़ा है। तुरतुक का सूरज हर शाम इसी पहाड़ के पीछे छिपता है जिसकी चोटी पर मौजूद पाकिस्तानी चेक पोस्ट से एक मशीन गन हमेशा गाँव की ओर झांकती रहती है। लेकिन इसकी परवाह ना तो अब तुरतुक के बच्चों को है ना किसी गाँववासी को। इस गांव के इतिहास की बात करें तो यह कभी बाल्टिस्तान रियासत का हिस्सा हुआ करता था। सिर्फ तुरतु की नहीं बल्कि इसके आसपास बसे त्यासी और चालुंगा गांव भी इसी रियासत का हिस्सा थे जो यबगो राजवंश की हुआ करती थी। इस वंश के पहले राजा सारेल गजाली के वंशजों ने ही यहां पर 18वीं सदी तक राज किया। इस दौरान उन्होंने कई हमले झेले और कई बार अपनी जीत भी दर्ज की। सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान से आए यबगो वंश ने ही बाल्टी समाज की नींव रखी थी। इनकी सीमाएं लेह से लगभग 250 किलोमीटर ऊपर नुब्रा घाटी से शुरू होकर पाकिस्तान प्रशासित गिलगिस्तान बाल्टिस्तान तक जाती थी। बाल्टिस्तान के यबगो राजाओं के दौर में कला और साहित्य को खूब बढ़ावा मिला। उनकी कुछ इमारतें तुरतुक गांव में आज भी हैं जिन्हें अब म्यूजियम की शक्ल दे दी गई है। तुरतुक राजाओं के वंशज आज भी इस गांव में अपना घर मानते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर रियासत का तो भारत में विलय हो गया लेकिन ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से चला गया था। 1947 से लेकर 1971 तक ये सभी गांव पाकिस्तान का ही हिस्सा रहे। फिर 1971 में हुए युद्ध के दौरान भारत ने इन्हें वापस पा लिया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच की खींचतान का सीधा असर तुरतुक पर हुआ और ये गांव बरसों तक बेरुख का शिकार रहा। किसी ने भी यहाँ की कुदरती खूबसूरती, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और सबसे अहम यहाँ के लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। एक दौर में ये इलाका खूबसूरत सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। यहाँ से भारत, चीन, रोम और फारस तक व्यापार होता था। तुरतुक गांव बौद्धों के गढ़ लद्दाख में है लेकिन यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है। इन लोगों पर तिब्बत और बौद्धों का गहरा प्रभाव है। माना जाता है कि ये सभी इंडो आर्यनों के वंशज हैं। मूल रूप से यही लोग बाल्टी भाषा बोलते हैं लेकिन इनका खान पान और संस्कृति साझा है। तुरतुक गांव में अभी भी यबगो वंश के राजा मोहम्मद खान काजू अपने महल में रहते हैं। कुछ साल पहले जब मैं अपनी एक यात्रा के दौरान तुरतुक गांव पहुंचा तो मुझे राजा मोहम्मद खान से मिलने का अवसर मिला। खान काजू ने मुझे बताया था कि उनके पूर्वजों का तुरतुक में बहुत बड़ा महल था। सैकड़ों साल तक उनके पूर्वजों ने ही इस हजारों किलोमीटर क्षेत्रफल पर राज किया। 1947 के बंटवारे के बाद उनके दो भाई पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान चले गए। वहाँ भी उनके महल थे। खान काजू का परिवार तुरतुक के महल में रहने लगा जो उस दौर में पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था। उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें सम्मान देगी लेकिन हुआ इसके उलट। तुरतुक के महल को पाक फौज ने कब्जा लिया और उसे नॉर्दर्न फ्रंटियर का मुख्यालय बना दिया।
इससे खान काजू और उसका परिवार बेघर हो गए। फौज के इस कब्जे के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की। यहां से फैसला उनके पक्ष में आया और पाक फौज को उनका महल खाली करने का आदेश दिया गया। इसे पाकिस्तान की फौज तिलमिला गई और उन्होंने खान काजू का महल खाली करने के साथ ही उसे RDS लगाकर उड़ा दिया। मेरी इसी यात्रा के दौरान खान काजू ने तुरतुक समेत 3 गांवों के भारत में शामिल होने की दिलचस्प कहानी भी सुनाई। उनके अनुसार हुआ यूं था कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी मोर्चे की तरफ बढ़ी। पाकिस्तान युद्ध में घिरने लगा तो उसने नॉर्दर्न फ्रंटियर के इन गांवों से भी अपनी सेनाओं को युद्ध में झोंक दिया। इसका फायदा भारत ने उठाया। मोहम्मद खान काजू बताते हैं, जनाब 8 दिसंबर 1971 का दिन था, हम सोए हुए थे कि तभी हैवी आर्टिलरी फायर आया। ताबड़तोड़ मशीन गन की आवाजें आने लगी। हम सब डर कर गांवों के बीचों बीच बनाए बंकरों में छुपने को भागे। कुछ देर बाद दोनों तरफ से फायर रुक गया और फिर भारतीय सेना, जिसमें लद्दाख स्काउट और नुब्रा गार्ड शामिल थे, गांव में दाखिल हुए। हम डरते डरते बाहर निकले। हम सभी को पोलो ग्राउंड में बुलाया गया और एक लाइन में खड़े होने का आदेश दिया गया। हमें लगा कि हम सबको लाइन में गोली मार दी जाएगी, लेकिन तभी भारतीय सेना का एक ट्रक आया और उससे बच्चों के लिए बिस्किट और हमारे लिए राशन उतरने लगा। हमें पहले विश्वास नहीं हुआ, सोचा जहर ना हो, इसलिए बच्चों को हमने बिस्किट खाने से रोका। फिर भारतीय सेना का एक बड़ी अधिकारी ने हमारे बच्चों को पुचकारा और एक बिस्कुट खुद खाया, फिर हमें भी खाने को दिया। तुरतुक गांव के लोग बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने उनके आसियाने तक उजाड़ दिए थे, लेकिन जब से भारत की सेना ने इन गांवों को नियंत्रण में लिया है तब से यहाँ पक्की सड़कें और अस्पताल खुलने लगे हैं। गांव के कई युवा अब सरकारी नौकरी में सेवा दे रहे हैं। कई साल पाकिस्तान का हिस्सा रहे इन गांव के लोग भारत के प्रति कितने वफादार हैं, इसका अंदाजा वहां रहने वाले गुलाम हुसैन की बातों से मिल जाता है। वो कहते हैं, यहां के सभी गांववासी भारत के प्रति वफादार हैं। हम तो कश्मीर में भी अपने कई साथियों से अक्सर कहते हैं कि तुम नहीं जानते पाकिस्तान कैसा देश है, हम तो उनके साथ 30 साल तक रह चुके हैं, उनके जुल्म और यातनाएं हमने झेली है, जिसने झेला होता है उसे बेहतर कौन बता सकता है जनाब। साल 2002 से पहले भारतीयों के लिए तुरतुक गांव जाना प्रतिबंधित था, लेकिन अब यहां टूरिस्ट आराम से घूमने आ सकते हैं। अगर आप भी तुरतुक जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लेह पहुंचना होगा, फिर वहां से खारदुंगला दर्रे को पार करते हुए नुब्रा वैली में दाखिल होना होगा। एक बार नुब्रा पहुंच गए तो फिर स्योक नदी के किनारे किनारे लगभग 150 किलोमीटर चलने पर आप तुरतुक गांव पहुंच चुके होंगे। काराकोरम सरगराउंड के ठीक पूर्वी दिशा में बसे तुरतुक में भारतीय सेना की आखिरी चेक पोस्ट है। उसके बाद पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा लगता है, जिसे पाकिस्तान की सेना नॉर्दर्न फ्रंटियर भी कहती है। हुआ यूं था का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमारे YouTube चैनल के साथ ही अब हमारे सारे कार्यक्रम हमारी वेबसाइट baramasa.in पर भी देख सकते हैं, और वेबसाइट में सब्सक्राइब कर बटन दबाकर आप बारामासा का समर्थन भी कर सकते हैं, ताकि हम लाते रहे पहाड़ से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां बारामासा।